हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सर्जिक। आज के इंटरव्यू में, आज के डिस्कशन में हमारी बात निखिल कुमार साह से हो रही है, जो कि गेट 2022 मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टॉपर हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू निखिल फॉर सच अ ग्रेट अचीवमेंट, गेट 2022 मैकेनिकल। जैसा कि आप सबको पता है कि एक नॉर्मल गेट जैसे होते हैं उनसे थोड़ा सा अलग था, डिफ़िकल्टी लेवल में थोड़ा सा ऊपर था, कुछ लोग कहेंगे बहुत ऊपर था। और उस एग्ज़ाम में परफॉर्म करना, ऑब्वियसली इट शोज़ कि आपकी किस लेवल की प्रिपरेशन है और किस तरह से आपने न्यूमेरिकल्स को हैंडल किया है। तो निखिल, अपने बारे में आप सबसे पहले बताइए, अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। थैंक यू सर फॉर कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी। माई नेम इज़ निखिल कुमार साहा एंड आई एम करेंटली परसुइंग ड्यूअल डिग्री इंटीग्रेटेड कोर्स फ्रॉम IIT भुवनेश्वर। दिस वॉज माई फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट। इन द फर्स्ट अटेम्प्ट आई हैव गॉट 296 रैंक इन फोर्थ ईयर। तो फोर्थ ईयर में जो तुमने अपना अटेम्प्ट दिया जिसमें तुम्हारे 296 रैंक आई, तो क्या तुमने प्रिपरेशन प्लान उस टाइम के लिए यूज़ किया, कैसे तुमने प्रिपेयर किया, क्या गाइडेंस तुम देना चाहोगे स्टूडेंट्स को? तो पहले तो क्योंकि मैंने क्लास में थोड़ा सा ध्यान देता था, मैं थोड़ा सा मतलब क्लास में जो पढ़ाते थे उतना पढ़ता था, घर आके मैंने इतना उसमें रिसर्च नहीं करता था, लेकिन जो क्लास में असाइनमेंट दिए, जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसको मैं मतलब अच्छे से पढ़ता था। तो उसके नोट्स थे मेरे पास। तो जब थर्ड ईयर का एंड हुआ, जब इंटर्नशिप होती है, तो ड्यू टू कोविड हमारे इंटर्नशिप सब बंद हो गए थे, कोई मतलब था नहीं। तो एट दैट पीरियड ऑफ टाइम मुझे इतना टाइम मिला सोचने को कि एक कोई स्ट्रेटेजी बनाई जाए तो जिससे हम गेट की तरफ जा सकें। सो इनिशियली मैंने वही जो स्कूल कॉलेज के नोट्स थे उन्हीं से चालू किया, फिर उसको मॉडिफाई करता गया, फिर वैसे ही मैंने नोट्स बनाए अपने। तो जो गेट के लिए आपने प्रिपेयर किया, तो क्या आपका मोटिवेशन रहा, क्योंकि आप ऑलरेडी यू आर फ्रॉम IIT भुवनेश्वर, BTech एंड MTech डुअल डिग्री, तो क्या मोटिवेशन था गेट लिखने के लिए? सर जैसे कि मैंने बताया, मैं ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम में था, तो मेरे इनिशियली फ्रॉम इनिशियल डेज मेरे को यह था कि मेरे को पब्लिक सेक्टर जॉब में जाना है। तो हमारे उसमें क्या होता है कि IIT में कुछ कंपनियाँ आती हैं पब्लिक सेक्टर, बट दे डोंट अलाउ ड्यूअल डिग्री टू सीट फॉर प्लेसमेंट्स। सो इसलिए मैं गेट ही मेरा आखिरी ऑप्शन था। लेकिन फोर्थ ईयर भी मैंने गेट दिया था, फोर्थ ईयर में, तो वहाँ पे मेरी 296 रैंक आई थी। लेकिन रैंक इन मोस्ट ऑफ द PSU रैंक को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, तो इसलिए मैं इंटरव्यू को फाइनल सिलेक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाया, इसलिए मैंने फिर से ये सेकेंड अटेम्प्ट दिया फाइनल ईयर में। इस ईयर जो तुम्हारी इतनी अच्छी रैंक आई है, तो क्या कुछ बहुत अलग किया तुमने इस बार, क्या ऐसे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहे तुम्हारे हिसाब से जो इस बार यू कुड एंटर इनटू सच अ ग्रेट रैंक? या सर, लाइक लास्ट ईयर का ट्रेंड देखे तो सिमिलर पैटर्न में क्वेश्चन आ रहे थे, आप पिछले प्रीवियस ईयर के पैटर्न को पकड़ के आप उसमें इंटरपोलेट कर सकते थे कि इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो 2021 में पेपर ईजी था वैसे भी, तो जो लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर सॉल्व किए थे मैंने, लेकिन मेरा ये ड्रॉबैक हो गया था कि लास्ट ईयर मैंने टेस्ट सीरीज नहीं दिए थे इनफ। तो मैं एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट को मेरे हाथ में पकड़ नहीं थी उनकी, तो इसी कारण मेरे वो हो गए। तो इस बार मैंने मतलब शुरू से, जैसे लास्ट ईयर का ख़त्म हुआ 4 मार्च से मैंने टेस्ट लगाने चालू कर दिए थे, सब्जेक्ट जो इनिशियली आते हैं टॉपिक वाइज। हाँ, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज। हाँ, तो 7 डेज में मैं एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करता था, एट द एंड ऑफ 7 डे लाइक टॉपिक वाइज कोई टेस्ट दे दिए। फिर वैसे ही मैंने साइकिल को मेंटेन करने की कोशिश की, और रिवीजन एक वो था, आपने भी जैसे बताया कुछ वीडियोस में कि रिवीजन को साइकिल को कंटिन्यू करना रहता है, तो वो मैंने पैटर्न को किया कि जैसे मैंने 3-4 कॉलम्स में अपने सब्जेक्ट्स को बांट लिए थे, थर्मल के कुछ, डिज़ाइन के, इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग, ये 4 की साइकिल में पढ़ता और मतलब रिवाइज के कंटिन्यू साइकिल करता, तो ताकि चारों में हमारा मतलब हैंड्स ऑन रहे हर चीज़ में, वो आउट ऑफ टच ना हो जाए, क्योंकि हाँ, चीज़ें बहुत जल्दी दिमाग से निकलने लगती हैं। तो ये जो अटेम्प्ट था इसमें आपने मेनली रिवीजन और न्यूमेरिकल सॉल्विंग्स जो है उन दो चीज़ों पे फोकस किया, सिलेबस एज सच आपने एक्स्ट्रा ज़्यादा फोकस नहीं किया। तो ऑब्वियसली ऐसे केस में जब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की, तो मैं ये समझना चाहूँगा कि जो
तीन घंटे एग्जाम के थे, उसमें आपने न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया, क्या अप्रोच रही उन 3 आवर्स की? हाँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा आप स्टूडेंट्स को बताओ। तो मैंने जितने भी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दिए थे उसमें मैंने अपनी स्ट्रेटेजी पा ली थी कि मैं सबसे पहले एप्टीट्यूड को सॉल्व करने जाऊंगा। और मोस्ट ऑफ द टेस्ट में होते थे कि मेरे एप्टीट्यूड बन जाते थे, जो इंग्लिश को छोड़ के, लेकिन ज़्यादातर बन जाते थे। तो मैं ये चीज़ बोलूँगा लेकिन किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा ये करने को। मेरे सेट में फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में क्लॉक वाला आ गया था, फोन जो फोन उनका दिया होगा उन्हें पता होगा कि उसका आंसर 1 है, उसका आंसर था ही नहीं ऑप्शन में। सो आई वेस्टेड 10 मिनट्स ऑफ इन दैट टाइम, मैं ईगो में ले लिया था। और मैं बोलूँगा किसी को ना करने के लिए ये चीज़, क्योंकि मेरे लिए शायद मेरी किस्मत थी कि मैं बच गया, लेकिन यदि मैं उसके साइकिल में फंस जाता तो वो नहीं। तो इसी को मैंने जब 10 मिनट्स देखे मैंने कि वेस्ट किए, तो इसी को कैपिचुलेट करने के लिए मैं जो हमारे टेक्निकल सेक्शन में उसके हार्ड क्वेश्चंस को फर्स्ट साइकिल में मैंने स्किप किए, राइट हाँ वो किया, और फिर सेकंड थर्ड में उसको मैंने फॉलो करने की कोशिश की, फिर से मतलब सेकंड ट्राई थर्ड ट्राई दिया। तो जब बहुत क्वेश्चंस बन गए थे तो माइंड से प्रेशर भी ईज हो गया था, तो क्वेश्चन बनने ईजी हो गए। सर जैसे कि मैंने एक्सर्जिक प्रो में इनरोल किया था, तो आपने गाइडेंस में जैसे बताया था कि फर्स्ट साइकिल में कौन से छोड़ना है जो आपसे नहीं बने, जो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो रही है ये, और सेकंड साइकिल में उसको आके फिर से कंटिन्यू करना है, ये आपने उसमें बताया था, तो ये मेरे को बहुत हेल्पफुल हुआ। और जैसे जो मेरे फर्स्ट साइकिल में क्वेश्चन छोड़े, वही मेन जो स्टेप जो इस बार जो लेवल गेट का था और इस बार जो बड़ा है, वो स्टेप कवर करने वाले वही क्वेश्चंस थे और वही रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चंस थे, और वही आपके मैंने जो एक्सर्जिक प्रो और टेस्ट सीरीज में उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस थे वो। सो मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ थोड़ा टाइम के लिए। बिल्कुल। सो उसमें एक क्वेश्चन था फ्लो स्ट्रेस का, हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि के एप्सिलॉन टी पावर एन का दे देते हैं, उसी में घूमता रहता है, लेकिन इस बार लीनियर वेरिएशन वाला आया था। वो एक टेस्ट सीरीज में मेरा क्वेश्चन था, मैंने बुक मार करके लास्ट दिन पढ़ के गया था, तो मेरे को देख के वो हो गया था। और फिर एक थिकनेस वाला था जो ये फोन नून के सेशन में था, तो जो एक थिकनेस वाला था कि थिकनेस कितना चेंज हो रहा है वो पता लगाना था, ये भी एक टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन था, रेडियल डिस्प्लेसमेंट करके था उसमें। और एक हीट जनरेशन वाला था, कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन, कॉन्ट्रोवर्शियल था वो। हाँ वो वाला भी टेस्ट सीरीज में एक आया था कि हीट जनरेशन कोई उसमें तो था कि कॉन्स्टेंट दे दिया था, लेकिन आपने बताया था उसके एनालिसिस में कि पूरा वॉल्यूम में इंटीग्रेट करना है हमको, भले वहाँ कॉन्स्टेंट था लेकिन वो कॉन्सेप्ट वहाँ से आ गया था, तो ये मेरे को बहुत हेल्पफुल हुआ। तुमने बताया हीट जनरेशन वाला जो क्वेश्चन था, जहाँ पे जनरली यूनिफॉर्म हीट जनरेशन के क्वेश्चन आते हैं, बट एनालिसिस के टाइम पे मैंने वेरिएबल हीट जनरेशन के केस को भी बोला था आ सकते हैं क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन आया। तो एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स को किसी भी क्वेश्चन का पूरा 360 डिग्री एनालिसिस हो, उनको पता हो कि इसमें क्या चेंजेस पॉसिबल हैं और वो चेंज आएगा तो कैसे सॉल्व करना है, वो इंटीग्रेट करना है, ये सब चीज़ें मेंशन की थी मैंने कोर्स में। तो जो कि मैंने एक्सर्जिक प्रो से मेन जो सीखा, कोई भी एक बड़ा सा क्वेश्चन है नॉर्मली क्या करते हैं लोग 10 लाइन देख के घबरा जाते हैं। सो वहाँ से मैंने क्या सीखा कि एक डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस करना हर क्वेश्चन को, और एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में करना ताकि तब सॉल्यूशन में आए, और उस सीक्वेंस को आप थोड़ा सा भी हटे तो आपका आंसर नहीं आएगा, आप खुद ही गैम्बल हो जाओगे कि बहुत सारे वेरिएबल्स आ गए। सो वो क्वेश्चन एनालिसिस करना डिस्ट्रक्टिव तोड़ मोड़ के उसको एक क्वेश्चन को अलग अलग हिस्सों में उसकी एक हर एक कीवर्ड हर एक लाइन को समझना और वो किस डायरेक्शन में ले जा सकता है वो समझना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी तो सब पढ़ लेते हैं, नॉर्मल एक थ्योरी को 4 तरीके से पढ़ लो तब भी कुछ नहीं होगा, टाइम वेस्ट ही होगा। सो इनिशियली यू कैन गो थ्रू ऑल द थ्योरीज, लेकिन जब बिल्डअप करने की बात आती है उसके बेस पर, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्विंग या क्वेश्चन एनालिसिस मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसे इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट दें और अपना एक वो पालें कि एक रिदम पालें कि कौन सा, जैसे मैं बताना चाहूँगा कि मैंने ये देख लिया था कि मैं फर्स्ट 18 मिनट्स में मैंने एप्टीट्यूड कर लेता था टेस्ट सीरीज में सारे, और एट द एंड ऑफ 2 आवर्स मैं टेक्निकल के 40 क्वेश्चंस कर लेता था। तो ये मेरे जब डिफरेंट सारे टेस्ट सीरीज में मेरे को ये आ रहे थे तो मेरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होते थे इससे। सो फाइनल में भी ऐसे हुआ तो मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया था थोड़ा, तो वो है। और हार्ट, और जो कि हार्ट इस बार जैसे देखिए ट्रेंड, वो जो सिंपल लाइन में बोला स्टेप वाला, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ क्योंकि आप जा गेट अनप्रेडिक्टेबल हो गया आज के ज़माने में, अब 96 टॉपर नहीं आते अब, तो
तो वही है, वो स्टेप को कवर करने के लिए आपको क्वेश्चन एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पे एक्सर्जिक प्रो एंड वो जो टेस्ट सीरीज के इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो जो तुम टेस्ट देते थे उसमें तुम्हारे कितने मार्क्स आते थे, कब से तुमने, जैसे तुमने कहा टॉपिक वाइज टेस्ट तो तुमने एकदम 4 मार्च से ही शुरू कर दिए थे, बट फुल लेंथ टेस्ट तुमने कब से शुरू किए और कितने तुम्हारे मार्क्स आते थे, क्या वो मार्क्स फ्लक्चुएट होते थे, इंक्रीज होते थे, उस बारे में तुम स्टूडेंट्स को थोड़ा बताओ। हाँ, तो मैंने नवंबर फर्स्ट वीक में फुल लेंथ स्टार्ट किए थे। ओके, सो इनिशियली मेरे बहुत कम मार्क्स आते थे, मतलब 65 to 75 आते थे, और मेरे पिछले बारी 79 थे, तो मेरे को कॉन्फिडेंस में गिर जाता था कि इतने कम क्यों आ रहे, पहले से कम आ रहे। फिर लेकिन एक्सर्जिक में फिर वो हुआ था, कुछ इंटरफेस चेंज हुआ था 4 टेस्ट के बाद, गेट वाला इंटरफेस आ गया था। हाँ, तो उसके बाद से मेरे एवरेज 84 चला गया लास्ट में, जो एवरेज था। तो वही है कि मतलब कॉन्फिडेंस आ जाएगा जितना आप टेस्ट सीरीज दोगे। और ये आपने एक चीज़ बोला था, ये मैं हमेशा याद रखता हूँ कि इनिशियली लोग ऐसा करते हैं कि वेयर देयर इज क्राउड दे गो देयर टू ज्वाइन द टेस्ट सीरीज, लेकिन रैंक फर्स्ट या टॉप 10 में दिख जाने से बहुत कॉन्फिडेंस हो जाते हैं लोगों का। लेकिन ये नहीं करना है हमें, हमें क्या करना है कि कौन से क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। जैसे मान लो आप 90 भी पा रहे हो, वो 10 मार्क्स कहाँ निकल रहे हैं, बच रहे हैं, वो देखो, क्योंकि गेट में अभी का जो ट्रेंड दिख रहा है वो 10 में से उठ के आएंगे, वो 90 जो आपसे बन गए उससे आ जाएंगे, वो सबसे बनेंगे। 10 से जो उठ के नहीं आएंगे, जो यदि आप अच्छे से एनालिसिस नहीं करोगे एग्जाम देने के बाद, वो निकल जाएंगे। तो वही जो वो जो वो मान लिया वो हो गया। बिल्कुल। सो इसलिए मार्क्स को देखो, ना कि रैंक को। सो कहीं इसलिए मैं बोलूँगा मार्क्स के ऊपर डिसाइड करो, एनालिसिस अच्छे से करो, वो है। और आपने भी टेस्ट सीरीज में जैसे बोला था कि मैंने एक्सर्जिक क्यों लिया था, मेरा मेन पॉइंट यह था कि जब मैंने टेस्ट सीरीज खरीदने गया था तो वहाँ पे आया था आपका वीडियो था वहाँ पे शॉर्ट सा, कि मैं ऐसे क्वेश्चंस बनाता हूँ ताकि बच्चे गलती करें इन यूनिट्स को लेके। तो मैं जब भी कोई बड़ा क्वेश्चन पढ़ता था, यूनिट्स मान लो डायनेमिक विस्कोसिटी का पॉइस लिखा हुआ है नॉर्मल पास्कल सेकंड में, तो वहाँ आपकी लाइन याद आ जाती थी। तो मैं इसलिए यूनिट को पहले से गौर करके देखता था, तो वहाँ पे मेरे को बहुत हेल्पफुल हुआ। बिल्कुल, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो सब जानने के बाद भी इन सब छोटी छोटी गलतियों को, क्योंकि गेट में तो 4-5 नंबर आपने लूज किए और आप कंपटीशन से बाहर हो गए, तो हर एक क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल आस्पेक्ट भी आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अच्छा, जो ये आपने अटेम्प्ट दिया, इसमें प्रेशर था माइंड में या रिलैक्स थे, किस तरीके? क्योंकि लास्ट ईयर जनरली जो रिपीटर्स होते हैं, जनरली एक साल पहले उनकी रैंक जो होती है वो एटलीस्ट मतलब टॉप 1000 नहीं, किसी की 2000-3000 ऐसे होती है। लास्ट ईयर पहली योर रैंक वॉज 296, तो प्रेशर था कि यार उससे ज़्यादा लानी है, उससे ख़राब हो गई, तो क्या माइंड में चल रहा था इस अटेम्प्ट को लेके? अब प्रेशर तो रहेगा ही सर, क्योंकि मेरे जो जितने भी कलीग्स हैं मेरे जो बैच के ड्यूअल डिग्री के, सब प्लेस हो गए हैं IT सेक्टर में, आखिरी 2 ही मैं ही बचा था, अभी भी लास्ट ही हूँ मैं प्लेस होने के लिए। तो प्रेशर तो था, लेकिन ये भी था कि कॉन्फिडेंस, घर वालों ने भी कॉन्फिडेंस दिया था कि पहले टर्म में तूने 296 लाया है, तो यदि तू अच्छे से और बिल्डअप करेगा उस पर ही, और अपने जो कंटिन्यू एफर्ट्स को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि एफर्ट्स छोड़ना, एक भी आप थोड़ा सा भी 1 मंथ गैप दिए, कॉलेज देखते हैं कि कॉलेज सेमेस्टर आ गए, जूनियर बोलते हैं कि भैया कैसे करें हम, कॉलेज का एग्ज़ाम देखना है, तो वो कंटिन्यू एफर्ट्स रखना पड़ेगा, वरना गेट तो भूल जाओ। तो इसमें जो एग्जाम्स होते थे कॉलेज में, कैसे उस ड्यूरेशन में कैसे प्रिपरेशन कंटिन्यू रखते थे? ऑब्वियसली हेक्टिक शेड्यूल होता है कॉलेज का अपने आप में, तो उसमें कैसे इंश्योर करते थे कि प्रिपरेशन चले, और क्या करते थे उस टाइम प्रिपरेशन कंटिन्यू करने के लिए? तो कहीं पे यदि आप टाइम डिवोट करेंगे तो कहीं से तो उसको निकालना पड़ेगा टाइम को। सो जो यदि मेन जो एम है, जो आपको फ्यूचर जहाँ पे आपको सेफ दिखता है, या जो आपको मेन मोटिव है फ्यूचर में, आप उसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करें। तो एग्ज़ाम के मैं 7 डेज पहले पढ़ता था एग्ज़ाम के, और ऑनलाइन सेमेस्टर था तो निकल जाते थे, और इसलिए मैं ज़्यादा टाइम मेरा गेट में था। और मैं ऐसा भी हुआ है कि आज एग्ज़ाम दे के आया हूँ, फिर मैंने शाम को गेट का ही पढ़ा है, वो है गेट कुछ ना कुछ रोज पढ़ता था, वो है कंटिन्यू नहीं रूप। वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, इनफैक्ट मैं भी स्टूडेंट्स को यही गाइड करता हूँ कि कुछ नहीं तो रिविज़न ही सही, बट टच नहीं छोड़ना है, इवन इफ अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे हो तब भी। हाँ, यस सर, बिल्कुल।
तो ऑब्वियसली जो सक्सेस तुम्हें मिली है उसमें फैमिली का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, इमोशनल सपोर्ट होता है, तो उस बारे में कुछ बोलना चाहोगे? हाँ सर, मतलब मेरे को जितना खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था, मेरे को पापा को मेरे पे था कि कर लोगे कर लोगे। वो मेरे को रोज़ भेजते थे मैसेज, तो वो है। और मेरे जो बैडमिंटन टीम है मेरी और क्रिकेट टीम में कॉलेज में था, तो उन सब के जो जूनियर्स हैं जो दोनों टीम्स में थे, मेरे को वो हमेशा मोटिवेट करते थे कि भैया हो जाएगा, आपका टेंशन मत लो। सो यही दो थे मेरे जो, और जैसे आप लोग का सपोर्ट रहा, और जो बीच बीच में हमको थोड़े थोड़े जो लूप होल्स थे मेरे, वो मैं कवर करते गया आप लोग के सपोर्ट से, तो ये बिल्डअप हो गया फाइनली एट द एंड। बहुत अच्छा लगा तुम्हारी जर्नी को देख के, समझ के, और आई एम श्योर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इस जर्नी से इंस्पायर होंगे, प्रेरित होंगे, और जो भी पॉइंट्स तुमने बताए आई एम श्योर वो उनकी उनकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेंगे। आई वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दिस सक्सेस। ऑल द बेस्ट।